योगी जी बंगाल गए, उन्होंने कहा टाइमलाइन धरी है कि उस तारीख के बाद अपराधी गले में बोर्ड टांग के, बोर्ड टांग के, तख्ती टांग के भागेंगे है? और अपराधी यहाँ बेलगाम हो रहे हैं, यहाँ बेटियों का बलात्कार हो रहा है, यहाँ रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूटपाट हो रही हैं। पहले अपना प्रदेश संभाल लो, जब उनके कोई न्याय नहीं मिलेगा एक बेटी को क्या करे, बताओ क्या करेंगे? वो बेटी किसी की तो बेटी थी, आज वो हिंदू की बेटी नहीं होगी ना, वो किसी जाति में बांटेंगे। जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अगर हिंदू थे तो क्या वो बेटी हिंदू नहीं थी जिसके बाप का, जिस लड़की को पहले छेड़ा गया और अगर मुकदमा दर्ज करा दिया तो बाहर आके उसके बाप की हत्या कर दी, क्या वहां हिंदू नहीं था? सिर्फ वोट के लिए हिंदू है आप, बाकी आप ना, आप ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना आप सिख है ना ईसाई है, सिर्फ इनके लिए वोट बैंक है। तुम जैसों का बेवकूफ बनाना, आ देखे इन्होंने इलाहाबाद का नाम बदला, उसको प्रयागराज किया, क्या हुआ? कोई रोजगार मिला? कोई विकास हुआ? नाम बदलने से ना रोजगार मिलता है ना विकास मिलता है, होता क्या है कि नाम बदलने से उस जिले का, उस प्रदेश का करोड़ों अरबों रुपए खराब हो जाता है। हर चीज को बदलना पड़ेगा हर जगह। नहीं देखे भाई, आंदोलन तो लंबा चलेगा, अब सरकार जो है वो आंदोलन को चुनावों पर खींचने लगी है और ये सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि चुनाव चुनाव की जगह होने चाहिए, आंदोलन आंदोलन की जगह रहने चाहिए, लेकिन अब सरकार उसकी तरफ ले जा रही है तो अब किसानों की भी दूसरी कोई रणनीति तैयार करनी है, उस पर जाएगा। टिकैत और टिकैत जी का भी आज बयान आया है कि लड़ाई लंबी चलेगी, ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है और एक गांव एक एक गांव एक ट्रैक्टर, 10 किसान 15 किसान 10 दिन। हाँ। तो ये कैसे इसको देखा जाए? ये शिफ्ट वाइज है, मैंने पहले बता दिया था आपको कि किसानों को शिफ्ट में काम करना पड़ेगा और किसानों ने वो शिफ्ट बना लिया। कारों से आंदोलन नहीं चलते? देखो कार से कैसे आओगे, कार से आओगे 3-4 आदमी आओगे, और आदमी भी यहाँ भी आदमी चाहिए और खेत में भी आदमी चाहिए, तो अब उन्होंने सही कर दिया कि एक गांव से एक ट्रैक्टर आएगा, 15-20 आदमी आएंगे, 10 दिन रुकेंगे, अब 10 दिन दूसरे वाले जो है वे आ जाएंगे, ये घर चले जाएंगे, अपने ये काम करेंगे। सरकार ने क्या जवाब दिया था कि हम चुनाव जीत गए, किसान हमारे साथ हैं, तो अब जहां जहां चुनाव होंगे किसानों को वहां जाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है और जाना चाहिए, हमारे जितने जत्थेदार हैं उन लोगों को जाना चाहिए, अपने किसानों को समझाना चाहिए कि सरकार इतनी नीचताई पर उतर आई है कि जो सही को भी उससे जोड़ने लगी है चुनाव से। लेकिन सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसान जो है राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, सरकार को कहीं ना कहीं धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा किसने बनाया? सरकार ने। किसान ने क्यों बना था? किसान तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था, उन्होंने ही जवाब दिया कि हम गुजरात में जीते हैं, किसान हमारे साथ है, बिल अच्छे हैं, तो अब किसान क्या करे? शांतिपूर्वक आंदोलन ही तो कर सकता है। जब सरकार आंदोलन को चुनाव से जोड़ रही है क्या करेगा किसान? वहां भी तो किसान है। अगर MSP का फायदा गाजीपुर बॉर्डर पे होगा तो पूरे देश के अंदर होगा, MSP पे फायदा अगर सिंधु बॉर्डर पे होगा तो पूरे देश पे होगा, MSP का फायदा टिगरी बॉर्डर पे होगा तो पूरे देश के किसान को होगा, किसी एक किसान को नहीं होगा। जगह जगह किसान पंचायत चल नहीं रही और वहां भी किसान पंचायत है, रैली किसने कहा? किसान पंचायत कहा होगा टिकैत साहब ने? हाँ तो किसान पंचायत तो करेंगे, हम पंचायत भी ना करें तुम हमें फांसी लगा दो, भाई बहुत बढ़िया सरकार है। अब देखो एक चीज है, जब सरकार इतनी नीचताई पे गुजर जाए कि अगर तुम्हें गलत कहने का अधिकार ना हो तो संविधान बचा है? संविधान इस देश में नहीं बचा। जो संविधान के दायरे में रह के सरकार का विरोध करेगा
वो या तो देशद्रोही कहलाएगा या जेल के अंदर होगा, या जितनी संवैधानिक संस्थाएं इनके यहाँ गुलाम बन चुकी है उनके छापे पड़ेंगे। देखिए वो गाँव में है ना भाई, अगर यहाँ कोई किसान ऐसा थोड़ैया खेल रही है, परिवार है उनका, वो देखेंगे। और जो 10-10 के ड्यूटी लगाई है, शिफ्ट लगाई है, वो इसीलिए तो लगाई है कि अगर वो 15-20 आदमी एक गांव के जो यहाँ रह रहे हैं, अगर बीच में उनका कोई काम पड़ा तो जो गांव के बाकी लोग हैं वो सहयोग करेंगे उसके काम में। देखिए एक बात तो बताइए, जब आप दुखी हैं, आप मेरे से दुखी हैं, तो क्या आप मुझे चाहेंगे किसी गद्दी पे बैठाना? नहीं चाहेंगे। तो वो काम जरूर है, असर बहुत पड़ेगा। मजदूर है, जो भी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये सारा वोटर है, तो वोट का तो असर पड़ेगा। कौन कह रहा नहीं पड़ेगा? तो सरकार क्यों नहीं मान रही मोदी की? उनको पता नहीं है कि वो हार्डकोर वोटर है किसान। देखिए जब अहंकारी राजा हो जाएगा, वो अहंकार के नशे में चूर हो जाता है। क्या रावण को नहीं पता था कि तेरा नाश होना है? पता था, सबने बताई थी, उसके भाई ने भी स्वयं उसे जाके बताई थी कि मत लड़ राम से, तेरा नाश हो जाएगा। लेकिन वो अहंकार के नशे में था और सारे परिवार का क्या, सारे कुल का नाश करा दिया था। क्या कंस को नहीं पता था कि कृष्ण को मत छेड़, तेरा अहंकार तुझे ले बैठेगा? लेकिन अहंकार जिसके सिर पे बोल जाता है वो नाश करा बैठता है। वो अहंकार बीजेपी के सिर पे बोल रहा है। तो सरकार अहंकार में है, अहंकार में, बहुत बड़े अहंकार में है कि बाजरे का रेट क्या है और बाजरे का आटा लेके चले जाओ, जाओ मक्का का आटा लेने चले जाओ। किसान की तो मक्का 800 में बिक गई, अब 3,000-4,000 में उसका आटा क्यों ले रहे हो? अरे वही तेल तो हर कोई यूज करता है, सरसों का तेल तो हर कोई यूज। तो जब किसान के यहाँ रहेगा सस्ता रहेगा, और किसान के यहाँ से चला जाएगा पूंजीपतियों के यहाँ तो महंगा आएगा, तो वो महंगा किसान को नहीं मिलता। जब किसान का आलू, अब किसान का आलू आया है, क्या रेट है? 4-5 रुपए किलो है। और यही आलू जब पूंजीपति के यहाँ चला जाएगा, यही आपको 30-40-50 रुपए किलो मिलता है।